नमस्कार, आज हम गोची लियोंग का पांचवा अध्याय देखेंगे जिसमें हम विभिन्न स्थलाकृतियों के बारे में बात करेंगे जो बहते जल के कारण बनती हैं। अब जैसा कि हमने पुराने अध्याय में समझा था, अपरदन या इरोजन और जमाव या डिपोजिशन दो प्रमुख क्रियाएं हैं जो किसी भी स्थलाकृति के बनने में मददगार होती हैं या जिससे हम बोलते हैं विभिन्न स्थलाकृतियां बन सकती हैं। तो वही चीज़ हम यहां पर बात करेंगे। अब सबसे पहले हम बहते जल की बात कर रहे हैं क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जो चाहे रेगिस्तान का क्षेत्र हो वहाँ पर भी आपको थोड़ा पानी तो मिलेगा, या जिस क्षेत्र में बाढ़ आती हो वहाँ तो निश्चित तौर पर बहुत सारा पानी होगा। तो उन सभी एरिया में, चाहे वो तटीय क्षेत्र हो चाहे वो भूस्थलीय क्षेत्र हो, सभी एरिया में आपको कुछ ना कुछ पानी का अवशेष मिलेगा। इसलिए हम पहले सबसे पहले जो बात करते हैं वो है रनिंग वाटर की। जैसे हमने बात की थी अपरदन की, अपरदन के लिए कोई भी मूविंग एजेंट की आवश्यकता होती है। वो हवा हो सकता है, वो पानी हो सकता है, बर्फीला क्षेत्र हो सकता है, लहरें हो सकती हैं तटीय क्षेत्रों में। तो ये सारे अपरदन के घटक हैं और इरोजन के एजेंट्स हैं जो फाइनली क्या करते हैं, पूरे लैंडफॉर्म को, स्थलाकृति को एक लेवल करने में मदद करते हैं या डेन्यूडेशन के प्रोसेस में मदद करते हैं। जब हम इस प्रोसेस को समझते हैं तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस प्रोसेस की शुरुआत कहाँ से होती है। इस प्रोसेस की शुरुआत हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से होती है, जिसमें हम बोलते हैं कि वाष्पीकरण के कारण पानी उड़ता है, बादल बनते हैं और फाइनली वर्षा होके पानी वापस नीचे आता है और इस तरीके से एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल सुचारू रूप से चलता रहता है। जब ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल चलता है और वर्षा का पानी आता है तो ये नदियों के द्वारा बहता है। अब जब ये नदियों के द्वारा बह रहा है तो नदियाँ अलग अलग तरीके से होंगी। एक नदी तो वो होगी जो पहाड़ के स्लोप के साथ, स्लोप के होने के कारण बनेगी, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम, क्योंकि वहाँ पर ढलान है वहाँ पर नदी का फॉर्मेशन होगा। तो ये तो हो गया कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम। दूसरी तरफ होता है इनकॉन्सिक्वेंट, मतलब वहाँ नदी पहले बन गई और स्थलाकृति बाद में बनी। अब जो प्रमुख नदी है उसको काट के जोड़ने वाली विभिन्न विभिन्न नदियाँ मिलेंगी। कुछ नदियाँ होंगी जो 90 डिग्री के कोण पे आके मिलेंगी, कुछ नदियाँ होंगी जो उससे बड़े कोण पे मिलेंगी या कुछ उससे कम कोण पे मिलेंगी। तो 90 डिग्री हो सकता है, एंगल ओब्लिक हो सकता है, एक्यूट हो सकता है, पर अल्टीमेटली नदियाँ अलग अलग स्वरूप से आके मिलती हैं। जब नदियाँ आके मिलती हैं तो वो अलग अलग ड्रेनेज पैटर्न बनाती हैं। वो ड्रेनेज पैटर्न या तो पेड़ की शेप का हो सकता है जिसको हम डेंड्रेटिक कहते हैं, रेडियल हो सकता है, मतलब एक पहाड़ के ऊपर से चारों तरफ नदियां जा सकती हैं तो उसको हम रेडियल पैटर्न कहेंगे, या ट्रेलिस या रेक्टेंगुलर पैटर्न हो सकता है। अगर रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स जमे हुए हैं तो उसमें से नदी अलग अलग रास्ते से बहेगी। तो ये अलग अलग ड्रेनेज के पैटर्न्स हैं जो हम समझेंगे। तो ये यहाँ पर हमने इस लिंक में दे रखा है, यहाँ पर हमने डिटेल में इसकी बात की। हमने पिछले अध्याय में देखा था कि लैंडस्लाइड, भूस्खलन हो सकता है या सॉइल क्रीप हो सकती है। सॉइल क्रीप जो है वो एक धीमा या मंथर प्रोसेस है, जबकि भूस्खलन या लैंडस्लाइड जो है सडन प्रोसेस है। तो दोनों के प्रोसेस से जो लैंडफॉर्म्स बनेंगे वो विभिन्न विभिन्न प्रकार के होंगे। इसी तरीके से जब भी नदी बहती है तो चार प्रमुख अपरदन की क्रियाएँ काम करती हैं। पहली जो क्रिया है जिसको हम एब्रेशन या कोरेजन कहते हैं। अब ध्यान रखने का बात की बात यहाँ पर यह है कि जो कोरेजन है इसमें शब्द जब हम लिखते हैं तो इसमें ए आता है और दूसरे में ओ आता है। तो कोरेजन का मतलब ये होता है कि जो सरफेस है, जो सतह है, उससे जो पार्टिकल्स हैं वो टकराएंगे तो उसको हम प्रोसेस ऑफ कोरेजन या एब्रेशन कहते हैं। अगला होता है सॉल्यूशन या कोरोजन। कोरोजन में पार्टिकल्स उसमें घुल के बह जाएंगे। फिर हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ एट्रीशन। एट्रीशन का मतलब होता है कि दो पार्टिकल्स आपस में जब टकरा के टूटते हैं तो उसको हम एट्रीशन बोलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि एट्रीशन और कोरेजन में अंतर है। कोरेजन में सरफेस से टकराता है, एट्रीशन में पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं। और इसी तरह तीसरी चीज़ होती है हाइड्रोलिक एक्शन, मतलब पानी की क्रिया के कारण ये चीज़ होती है। दूसरी जो हम यहाँ पर बात करते हैं वो है सॉल्यूशन की। अब अगर मैंने नमक को पानी में घोला है तो वो पूर्ण तरह से घुल जाएगा तो उसको हम घुलनशील बोलेंगे या सॉल्यूशन बोलेंगे। दूसरी तरफ अगर मैंने रेत पानी में डाली है तो वो मिट्टी या रेत जो है वो नीचे जाके जम जाएगी और उसको हम सस्पेंशन बोलेंगे।
ये दो टर्म्स तो फिर भी समझ में आ गए। जो तीसरी टर्म है वो थोड़ी सी टेक्निकल है, जिसको हम ट्रैक्शन लोड कहते हैं। ट्रैक्शन लोड का मतलब ये होता है कि पानी की निचली सतह पर एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल नीचे की सरफेस पे ही रगड़ते रगड़ते आगे बढ़ रहा है। तो ये पार्टिकल भी घिस रहा है और सरफेस भी घिस रही है। तो ये अलग 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 प्रोसेस हैं, पर ये सिर्फ निचली सतह पे होगा और सिर्फ उन्हीं पार्टिकल्स के लिए होगा जो बड़े हैं और खुरदरे हैं, कोर्स हैं और बड़े हैं। उन्हीं पार्टिकल्स के लिए आप कह सकते हो कि ट्रैक्शन लोड होगा। तो ट्रैक्शन लोड निश्चित रूप से पानी की वेलोसिटी को भी अफेक्ट करता है। अब जैसे हम एक व्यक्ति के लिए बोलते हैं कि वो अपनी आयु में, अपने जीवन काल में तीन चरणों से गुजरता है। एक तो होता है बचपन का काल, एक होता है यूथ और एक होता है वृद्धावस्था। तो ये तीनों अवस्थाएं ही नदी के साथ भी होती है। नदी जब पहाड़ों से निकलती है तो वो अपनी यूथ स्टेज में होती है, या वो बहुत एक्टिव स्टेज में होती है, जैसा एक बच्चा अपने एक्टिव स्टेज में या बचपन में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करता है। पर एक मैच्योर व्यक्ति को या वृद्धावस्था में आप उतनी एक्टिविटी नहीं देख सकते। तो वही चीज़ वहाँ पर होती है। वहाँ पर आपको वर्टिकल डाउन कटिंग मिलेगी और वर्टिकल डाउन कटिंग के कारण गहरे फीचर्स बनते हुए दिखेंगे। तो सबसे पहला फीचर जो हम यहाँ पर समझते हैं वो तो है वी शेप्ड वैली, क्योंकि इस एरिया से नदी बह रही थी और नदी ने इसको वर्टिकली नीचे 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 काटना शुरू किया और एक वी शेप्ड वैली की संरचना हुई। जब ये वी शेप्ड वैली और गहरी हो जाती है तो इसको हम गॉर्ज कहते हैं। शुष्क इलाकों में इसको हम कैनियन कहते हैं, और कई बार जहाँ पर भी वी शेप वैली को और गहरा हम देखते हैं उसको हम कैनियन कहने की कोशिश करते हैं। तो ये तो एक चीज़ हुई। दूसरा होता है वाटरफॉल। वाटरफॉल का मतलब होता है कि रॉक्स जो है वो एक हार्ड रॉक है, एक सख्त रॉक है, एक सॉफ्ट रॉक है, एक सख्त रॉक है, एक सॉफ्ट रॉक है। तो सॉफ्ट रॉक ज़्यादा इरोड होगी, हार्ड रॉक कम इरोड होगी और सॉफ्ट रॉक ज़्यादा इरोड होगी। तो जब पानी ऊपर से गिरेगा तो इसमें से बहता हुआ गिरेगा और नीचे प्लंज पूल का फॉर्मेशन होगा। तो ये एक और प्रमुख फीचर है जो आप यूथ स्टेज में या बचपन की स्टेज में देखते हैं। तो ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरा होता है प्रोसेस ऑफ रिवर कैप्चर। रिवर कैप्चर समझना यूथ स्टेज में बहुत ही ज़रूरी है। अब ये देखते हैं कि दो नदियाँ एक के साथ एक पैरेलल चल रही हैं। अब इन दो नदियों में क्या हुआ, जो ए नदी है, ये वाली नदी है, इसकी वेलोसिटी दूसरी नदी से ज़्यादा है। चूँकि इस नदी की वेलोसिटी ज़्यादा है, ये तीव्र गति से आ रही है, बी में जो ट्रिब्यूटरी जा रही थी वो इस नदी में जुड़ गई और यहाँ से कट गई। तो जिस पॉइंट पे वो जुड़ेगी उसको एल्बो ऑफ कैप्चर बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पर उस नदी ने उसको पकड़ लिया है और ये नदी अब अलग रह गई है। इसको मिसफिट या बी हेडेड नदी कहेंगे। ये इस पूरे संरचना में फिट नहीं है अब, क्योंकि इसके पास कोई पानी का सोर्स नहीं बचा है और जो पानी का ओरिजिनल सोर्स था वो इस नदी में मिल चुका है। जिस नदी ने उसको कैप्चर किया है उसको हम पायरेटिंग नदी कहेंगे, और जो नदी कैप्चर हो चुकी है वो पायरेटेड नदी है। क्योंकि इस नदी में और स्ट्रीम का पानी आ गया है जो एक्चुअली बी स्ट्रीम में जाना चाहिए था, इस नदी में अपरदन की क्रिया या इरोजन की एक्टिविटी और ज़्यादा प्रबल हो गई इसके कारण। तो इसको हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ रिवर कैप्चरिंग, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी स्थलाकृति को समझने के लिए, जो कि मुख्यतः बहते जल से बनती है। अब जब हम मिडिल स्टेज की बात करते हैं तो क्या होता है, अभी तक जो उसका बचपन का काल था उसमें वर्टिकल इरोजन हो रहा था, वो वर्टिकल इरोजन अब धीरे 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 लैटरल इरोजन में कन्वर्ट हो गया। तो अब जितना भी कटाव होगा वो लैटरल होगा, जो अभी तक वर्टिकल था वो आप समझिए आप हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो रहा है। तो जैसे जैसे कटाव हॉरिजॉन्टल होगा तो कटाव के साथ निश्चित तौर पर डिपोजिशन भी होगा या जमाव भी होगा। तो जमाव की प्रक्रिया भी धीरे 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 प्रगाढ़ होने लगती है। अब जैसे हमने बात की कि यूथ स्टेज में वी शेप्ड वैली बनती है, ऐसे एक वी शेप्ड वैली दूसरी तीसरी एक के अंदर एक जब सेट हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं इंटरलॉकिंग स्पर, जिसका गठन यहाँ पर होता है, जो कि मुख्यतः नदी के वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। और जैसे ही इंटरलॉकिंग स्पर का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं नदी अब ऐसे चलेगी। तो ये नदी का सीधा रास्ता तो नहीं है, नदी नॉर्मल में तो ऐसे जानी चाहिए थी, पर नदी का रास्ता अब घूम चुका है। और ये घुमाव किसके कारण हुआ है, ये घुमाव
जिस कारण से हुआ है उस कारण को हम अभी थोड़ी देर में समझते हैं, पर यहाँ पर हम ये समझ रहे हैं कि नदी का घुमाव हुआ है और इस घुमाव के कारण जो नदी बनी है उसको मियांडर कहते हैं। अब ये मियांडर का फॉर्मेशन, काफ़ी सारे लोग ऐसा आर्ग्यू करते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के कारण होना चाहिए। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में हम कहते हैं कि MVR, जिसको हम मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, वो बराबर होना चाहिए। अब हमारे पास एक छोटी सी क्लिपिंग है जिससे हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप इस रिकॉर्डिंग को ध्यान से देखेंगे तो जब हाथ दूर होते हैं तो स्पीड कम होती है, और जैसे ही आपके हाथ पास आ जाते हैं तो स्पीड तेज होने लग जाती है। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं एंगुलर मोमेंटम से। पर जब हम मियांडरिंग की बात करते हैं तो एंगुलर मोमेंटम ही एक ऐसा बल नहीं है जो एक्ट करेगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से तो जब भी आपका रेडियस, जो कि पहले ज़्यादा था, अब कम हो गया है, आपकी वेलोसिटी बढ़ जानी चाहिए। तो नदी के केस में अगर हम देखें तो ये नदी है, इसको अलग अलग हमने सेक्टर्स में काट रखा है। तो जहाँ पर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है वहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम होनी चाहिए, और अंदर के हिस्से में जहाँ डिस्टेंस कम है वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, अगर सिर्फ हम एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन की बात करें तो। पर ऐसा नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है? नदी के केस में हम जब देखते हैं कि यहाँ पर अगर पानी भरा हुआ है, इस थ्री डायमेंशनल पिक्चर को समझने की कोशिश करिए, यहाँ पर अगर पानी भरा हुआ है तो यहाँ पर सबसे तेज स्पीड जो होगी वो सतह के नीचे होगी, और जो कि सतह के नीचे होगी उसको हम हाई वेलोसिटी रीजन बोलेंगे, और ये सबसे तीव्र होगा। पर अपरदन के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर एक हाइड्रोलिक हेड की संरचना हो रही है। यहाँ पर पानी लगातार आए जा रहा है, एक बैंक का इरोजन हुआ और उसको पानी लगातार काट रहा है। तो जब उसको पानी लगातार काटेगा तो धीरे धीरे, पहली बार पानी आया उसने काटा, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, चौथी बार, तो एक के ऊपर एक हम अगर इसको इन स्टिक्स से समझने की कोशिश करें तो ऐसा सा स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो पानी का लेवल ऊपर बढ़ जाएगा, जिसको हम हाइड्रोलिक हेड या सुपर एलिवेशन कहते हैं। और ये सुपर एलिवेशन अब आपको ये समझने में मदद करेगा कि यहाँ पर बाहरी सतह की तरफ इरोजन की प्रक्रिया ज़्यादा क्यों है। तो क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोलिक हेड की संरचना हुई, यहाँ पर खूब सारा पानी आके टकरा रहा है। क्योंकि यहाँ पर पानी आके टकरा रहा है, ये जो दीवार थी ये अब गहरी होती जा रही है, और दूसरी तरफ ये इस तरह से एक लूप बनाएगा। तो यहाँ पर इरोजन ज़्यादा हो रहा है, और यहाँ पर हाई वेलोसिटी जोन है और इसके आसपास लो वेलोसिटी जोन जो आपको दिखेगा। तो यहाँ पे मियांडरिंग में जो बाहरी सतह है उस तरफ आपको इरोजन मिलेगा और अंदरी सतह की तरफ आपको डिपोजिशन मिलेगा। इसको समझने के लिए हम कोहनी का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो कोहनी में हम क्या कहते हैं, बाहर का बोनी हिस्सा है, तो बोनी हिस्से की तरफ क्या होगा, यहाँ पर इरोजन की गतिविधि ज़्यादा होगी क्योंकि सबसे ज़्यादा मूवमेंट इसी चीज़ का हो रहा है। तो यहाँ पर इरोजन या अपरदन सबसे तेज़ होगा, जबकि अंदर की तरफ धीरे 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 आके जमाव होगा। तो जैसे आप मोटे होते जाएंगे यहाँ पर जमाव बढ़ता जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर नदी के साथ है। तो यहाँ पर डिपोजिशन अंदर की तरफ हो रहा है और अपरदन बाहर की तरफ होता है। तो इस चीज़ को हमने यहाँ मियांडरिंग में समझा, और जैसे जैसे नदी में मियांडरिंग बढ़ती जाएगी यहाँ पर डिपोजिशन की एक्टिविटी बढ़ती जाएगी। तो ये जो नदी मियांडर कर रही है ये धीरे धीरे अपने मेन चैनल से कट जाएगी। जब ये अपने मेन चैनल से कट के अलग हो जाएगी तो ये जिस लेक का गठन करेगी उसको हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक या मृत लेक या मोट लेक। इसका मतलब होता है कि अब इस लेक के पास पानी का कोई भी सोर्स बचा हुआ नहीं है, और धीरे 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 इसमें जो पानी है वो समाप्त हो जाएगा और ये लेक समाप्त हो जाएगा। पर दूसरी तरफ इसमें स्लो फॉर्मेशन भी होता है। स्लो फॉर्मेशन का मतलब ये है कि यहाँ से तो पानी इसमें आ रहा है पर दूसरी तरफ से ये मेन स्ट्रीम से कट चुका है और ये नदी बची हुई इसमें जाके मिल गई है। तो इसमें एक तरफ से तो पानी आ रहा है पर ये आके यहाँ पे खत्म हो रहा है, और इसको हम बोलते हैं स्लो फॉर्मेशन। इसी में मियांडरिंग के प्रोसेस में रिफिल और पूल का फॉर्मेशन भी होता है, जो कि हमने डिटेल में अपरदन की क्लास में समझा है। अब फाइनली हम चलते हैं वृद्धावस्था में। तो जैसे वृद्धावस्था में व्यक्ति शिथिल हो जाता है, नदी भी अपना
इतना सारा मलबा जो अपने साथ ला रही है, इतना सारा लोड, इतना सारा जो मटेरियल सब दूर से अपर्दन करती हुई ला रही है, वो अब धीरे धीरे जमाना शुरू कर देती है। तो नदी जब बह रही है तो वो अपने आसपास मटेरियल जमाएगी और नदी के आसपास छोटी छोटी लेवीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा, या जिस एरिया से वो बह रही है वो एक उपजाऊ क्षेत्र बन जाएगा, जिसको हम फ्लड प्लेन्स भी कहते हैं। और फाइनली जब वो समुद्र में जाके मिलेगी तो डेल्टा फॉर्मेशन होगा, जब वो नदी छोटी छोटी स्ट्रीम्स में फट जाएगी और उनके बीच के क्षेत्र में जितना भी मलबा आ रहा है उसका जमाव दिखेगा, तो उसको हम बोलते हैं डेल्टा फॉर्मेशन। अब डेल्टा फॉर्मेशन विभिन्न प्रकार का होता है, अलग अलग शेप्स के डेल्टा अलग अलग नदियों द्वारा बनाए जाते हैं। तो कई बार आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये सीधा क्वेश्चन बनता है कि एब्रो नदी पे कौन सा डेल्टा देखा जाता है, तो वहाँ पे कस्पेट या दांत की शेप का डेल्टा देखा जाता है। तो ये आपको सिर्फ मेमोराइज करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा जाता है। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि जैसा कि हमने बोला कि डेल्टा का फॉर्मेशन होता है तो वो सारे सेडिमेंट्स जमा कर देती है, तो किन क्षेत्रों में डेल्टा का फॉर्मेशन बहुत आसानी से हो सकता है। डेल्टा का फॉर्मेशन उन क्षेत्रों में आसानी से हो सकता है जहाँ पर नदी का वेग बहुत तीव्र नहीं है, नदी मंथर गति से चल रही है, बहुत सारा जमाव या मलबा अपने साथ ला रही है जो वो धीरे 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 जमा कर रही है। अगर नदी शुरू से ही धीरी थी, धीरे चल रही थी, तो वो बहुत सारा जमाव इकट्ठा नहीं कर पाएगी, तो वहाँ पर डेल्टा फॉर्मेशंस नहीं हो सकते। जो क्षेत्र है जहाँ पर डेल्टा बन रहा है वो छितला होना चाहिए और वहाँ पर ज्वारभाटा या टाइड्स नहीं होने चाहिए। अब अगर हम देखें कि किन हमारे लिए किस तरीके से नदियाँ उपयोगी हैं, तो पहली बात तो हम उनके थ्रू नेविगेशन या ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के काम आ सकता है। जहाँ डेल्टा बन रहे हैं वहाँ पर पोर्ट नहीं बन सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बोट चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी तरीके से बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम यहाँ पर देखते हैं वो ये है कि जो फ्लड प्लेन्स बनते हैं वो सबसे उपजाऊ क्षेत्र हैं। तो जो हम इंडो गंगा प्लेन्स बोलते हैं भारत के क्षेत्र में, वो सबसे अच्छा कृषि प्रधान क्षेत्र है। इसी तरीके से नदियाँ पॉलिटिकल बाउंड्रीज बनाती हैं, मिकोंग नदी लाओस और थाईलैंड के बीच में, यालू नदी आपके उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में। तो ये एक जो है पॉलिटिकल या राजनीतिक भूगोल को समझने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। आखिरी चीज़ जो हम आज समझेंगे वो है रिवर रिजुविनेशन। रिवर रिजुविनेशन का मतलब है कि नदी एक बार अपना पूरा साइकिल कर चुकी है, यंग स्टेज से लेके वृद्धावस्था तक पहुंच चुकी है, पर वो पुनः वो चीज़ चालू कर देती है। अब वो पुनः वो चीज़ कैसे चालू होगी, वो दो तरीके से हो सकती है, जिसको हम नेगेटिव मूवमेंट या पॉजिटिव मूवमेंट कहते हैं। नेगेटिव मूवमेंट का मतलब ये है कि जो लैंड है, जो ज़मीन है, वो या तो ऊपर चली गई या नदी का स्तर नीचे चला गया। तो या तो सी लेवल नीचे चला गया या लैंड लेवल ऊपर हो गया। अगर हम बोलते हैं कि सी लेवल नीचे चला गया, तो इसका मतलब क्या है, नदी पहले यहाँ बहती थी, अब यहाँ बहने लग गई, धीरे 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 नीचे आ गई, तो इस पूरे क्षेत्र में लैंडफॉर्म्स बनने लग गए। तो यहाँ पर जो प्रोफाइल देखने को मिलेगी वो ग्रेडेड प्रोफाइल होगी, जिसमें आपको इनसाइज मीएंडर्स देखने को मिलेंगे, निक पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। तो वो सारी चीज़ आपके नेगेटिव मूवमेंट में हुई। पॉजिटिव मूवमेंट में क्या होगा, पॉजिटिव मूवमेंट में बहुत ही सिंपल है, इसका उल्टा हो जाएगा। तो जो लैंड का हिस्सा है, जो सतह, ज़मीन की सतह है, वो दब जाएगी, नीचे चली जाएगी, और जो समुद्र का स्तर है वो ऊपर उठ जाएगा। इसके उठने के कारण क्या हो रहा है, जो लैंड है वो धीरे धीरे डूबती जा रही है और समुद्र का हिस्सा ऊपर आता जा रहा है, तो जो उसकी अपर्दन की क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो इसी के साथ हमने विभिन्न स्थलाकृतियों के बारे में समझा जो बहते जल के द्वारा बन सकती हैं। अगली कक्षा में हम उन स्थलाकृतियों के बारे में समझेंगे जो बर्फीले क्षेत्र में बनती हैं और बर्फ के द्वारा, ग्लेशियर या आइस एक्शन के द्वारा बनती हैं। आप ज़रूर से चैनल पर सब्सक्राइब करिए, हम आगे के लेक्चर्स जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश करेंगे। इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट्स इसको एग्ज़ाम रेस इंग्लिश वाला जो चैनल है, जो यूट्यूब एग्ज़ाम रेस के नाम से है, उस पर देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।